हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे है सब। तो देखिए ना, किट्टू मेरे कितने प्यार से चंपी कर दे रहा है। तो ये क्लिप ना, मतलब रात के 10 बजे का है। मतलब हम दोनों फिर बेडरूम में टाइम स्पेंड करते हैं, अगर किट्टू के पापा घर पे ना हो तब। तो उसके बाद तो मैं चंपी कर रही थी, तो उसने कहा कि मम्मा मैं आपकी चंपी कर देता हूँ। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं कर दो। तो ये देखिए कितने प्यार से वो मेरी चंपी कर दे रहा है। और मेरे देवर बाहर गए थे, तो उन्होंने किट्टू के लिए नूडल्स लेके आए थे, तो वही मैं उसे खिला रही थी। उसके बाद मुझे सबका खाना ना हो गया था, पर वो लेके आए थे तो मैं उसे ये खिला रही थी। तो देखिए इस तरह से, मतलब उसको नूडल्स चिकन बहुत पसंद है, तो वो खा रहा था। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और रात को मैंने बनाया था बेसन, तो बेसन बहुत सारा बच चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रोटियां बना लूँ। और बेसन में मैंने मिलाया है आटा, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। तो और आटा मैंने बहुत कम मात्रा में मिलाया था, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा कड़क, जैसे हम आटा बनाते हैं आटे की रोटियाँ, उस तरह की बन जाए तो फिर उसमें बेसन का टेस्ट ही क्या आएगा, सारा तो आटा आटा ही लगेगा। उस वजह से मैंने इसमें आटा बहुत कम मिलाया है और बेसन ज़्यादा है। मतलब रोटियाँ जैसे गीली गीली सी है, तो इसे बहुत सावधानी से बनाना पड़ रहा था। तो मुझे पहले तो जम भी नहीं रही थी, पर बाद में थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करके आ गई है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे अच्छे से सेक ले रही हूँ। मतलब रात की सब्ज़ी बच जाए तो मैं इसी तरह से, कोई भी सब्ज़ी हो, चाहे फली की हो, चाहे मेथी की हो, चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, मैं पराठे ही बनाती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर तो सुबह रात की सब्ज़ी सुबह खाने में इतनी मज़ा नहीं आती है, इसी वजह से। तो इस तरह से देखिए मैं इसे बहुत सावधानी से डाल दे रही हूँ। और किट्टू के पापा को कोई भरोसा नहीं है कब जाते कब आते हैं, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर वो जाते हैं तो इसीलिए। और मतलब बड़ा सुना सुना सा लगता है, क्योंकि वो रहते नहीं है तो टिफिन बनाने की टेंशन नहीं होती है, मतलब जल्दी उठने की टेंशन नहीं होती है, सब आराम आराम से काम, मतलब सभी को घर में ही रहना होता है इसीलिए। और वो रहे तो मतलब जल्दी उठो, सब काम जल्दी जल्दी करो, सब ऐसा रहता है। रूटीन ही कुछ अलग होता है, और जब ना रहे तो रूटीन कुछ अलग रहता है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक एक करके सारे मतलब सबके लिए बना लिए हैं, तो सब खाने के साथ खा लेंगे। जब तक मैं खाना बना ले रही हूँ, किट्टू तो कुछ ना कुछ काम करते ही रहता है। वैसे तो बहुत लेट उठता ही है, पर उठने के बाद भी तो उसे कुछ काम चाहिए, तो मुझे ये खेलना है वो खेलना है, बस उसका वही चलते रहता है। तो जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक वो कैरम खेल रहा है। तो पिछले साल जब कोरोना महामारी बहुत बढ़ चुकी थी, तभी ये कैरम लेके आए थे, क्योंकि सबको ज़्यादातर घर पे ही रहना पड़ता था, तो सब बस टाइम पास किए जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, यही तक था मेरा आज का वीडियो। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।